So, hello students, welcome to the live stream. Good evening, you all. Hello, Rutvika. Hello, Jay. Hello, Arpita. How are you all doing? Good evening to you all. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वाटर रिसोर्सेस. तो सबसे पहले वेट कर लेते हैं हम लोग ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाए इससे. ठीक है, जो भी स्टूडेंट लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं प्लीज अपने एक बार नाम कमेंट कर दीजिएगा. एक बार अटेंडेंस काइंड ऑफ चीज हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, फिर अपने स्टार्ट करते हैं. एक बार सब जुड़ जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही मस्त तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं. सार्थक आहिर, हेलो सार्थक. जेएसएम क्लासेस प्लीज अपना एक बार नाम कमेंट कर दीजिए. जेएसएम क्लासेस, गुड इवनिंग टू यू ऑल. गुड इवनिंग. ठीक है, अपना नाम कमेंट कर दीजिए एक बार, फिर अपना मस्त लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये लेक्चर समझाने वाला हूं. क्लास 10 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेस. हेलो अश्मिता, हाउ आर यू डूइंग. ठीक है, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉटर रिसोर्सेस. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेस क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में. व्हाट आर रिसोर्सेस, हम लोगों ने पढ़ा ये चीज. ठीक है, रिसोर्सेस मतलब एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमंस. व्हाट आर रिसोर्सेस, व्हाट आर रिसोर्सेस, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड वॉटर सॉरी आर कॉल्ड रिसोर्सेस. ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ रिसोर्स. ठीक है, तो वाटर किस तरीके से हम ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बहुत पुराने फिलोसोफर्स थे जिनका नाम था थेल्स. ठीक है, मैथ्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थेल्स थियरम. तो थेल्स जो ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स, तो उन्होंने क्या बोला था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग दिव्येश. ओके, हेलो दिव्येश. सो थेल्स क्या बोल, थेल्स ने क्या बोला था, यश राय हेलो, थेल्स ने बोला था कि एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. हेलो देव, हेलो देव. हा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वॉटर. मतलब इनके कहने का मतलब था कि वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ वॉटर. सुना, तो थेल्स ने क्या बोला था कि इस दुनिया में लाइफ है. हम लोग बोलते हैं ना वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज इक्वल टू लाइफ. Why? Because अगर पानी नहीं होगा, if there is no water around us, then we will not survive in this world. ठीक है, हमारे food का source, हमारे रहने का source, हमारे जीने का source क्या है, water. That's why water is an important hashtag, important resource. What is water? Water is an important resource. ठीक है, तो आज यही water के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. क्लियर, तो ये लाइव क्लासेस से बने रहना, कोई भी एक लाइव क्लास छोड़ने मत जाना. बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं what is water, sorry, what is water resources. Okay? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्रेश वॉटर. ओके, 96.5% of the total volume of world water is estimated to exist as ocean and only 2.5% exist as fresh water. ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में 2.5% ही फ्रेश वॉटर है.
पूरे वर्ल्ड में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है और 96.5% फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है। 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनियस रीजंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 2.5% में से जितना भी 2.5% में से जो 70% है, मतलब 2.5% एज अ होल में से जो 70% वाटर है वो किस में से ओरिजिनेट हो रहा है, जो आइस शीट्स होती है, जो ग्लेशियर्स रहते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स में से, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होता है। लेस देन 30% इज स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्वेरियम्स, ठीक है। तो 70 टोटल 2.5% में से फ्रेश वाटर का 70% ओरिजिनेट होता है फ्रॉम माउंटेनियस रीजंस एंड 30% एंड 30% फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। यहां पे सरफेस रन ऑफ मतलब जो रिवर्स रहती है, जो रिवर्स जो ग्लेशियर्स मेल्ट होके जो रिवर्स आती है, तो वो क्या जिसको वो उसको ही हम लोग सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। तो मेनली फ्रेश वाटर का सोर्स क्या होता है, कहां से हम लोग लेते हैं, हम लोग को फ्रेश वाटर कहां से मिलता है, जो रिवर्स आती है बड़े माउंटेन्स में से बहकर, और जो ग्राउंड में वाटर है, जो जमीन, जो हम लोग बोरिंग करके पानी निकालते हैं, ठीक है। तो मेनली रिवर्स और ग्राउंड वाटर में से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, क्लियर। दिस इज कंटिन्यूअली बींग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हमें बार बार वाटर मिलता है, वो वापस रिन्यू होता है, वापस रिचार्ज होता है बाय वूम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, ये वो साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब बारिश गिरती है, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम के थ्रू व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है कि समझ लो ये क्लाउड्स है, ये रेन होती है यहां से, ठीक है, ये रेन होती है यहां पे और ये गिरती है जमीन पे, कुछ माउंटेन्स में और कुछ लैंड में, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, माउंटेन्स में से रिवर्स जाती है, माउंटेन्स में से कुछ रिवर्स जाती है और कुछ ग्राउंड वाटर रहता है। फिर वही जो सरफेस ओवर रहता है, समझ लो ये पानी है फॉर एग्जांपल, और यहीं से होता है इवोपरेशन प्रोसेस, जो गर्मी की वजह से जो इवोपरेशन होता है, तो यही प्रोसेस होता है इवोपरेशन में, फिर वो वापस जाता है क्लाउड में, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होके वापस पानी एज अ रेन गिरता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। जो हमें बार बार पानी मिल रहा है अब तक, वो कहां से मिल रहा है हमें, वो कौन बार बार रिन्यू कर रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू वो बार बार रिन्यू हो रहा है। किरण यादव, हेलो किरण सर, नया फ्रेश वाटर के बारे में, फ्रेश वाटर इज 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन दिस, फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और वो 2.5% में से 70% हमें मिलता है फ्रॉम ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड 30% फ्रॉम ग्राउंड वाटर, क्लियर। ये चीज समझ में आया। संतोष बेले, हेलो संतोष, वेलकम टू द लाइव क्लास, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नाउ फ्रेश वाटर के सोर्सेस क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ, ओके विद्या, सॉरी, हेलो विद्या। सो फ्रेश वाटर के सोर्सेस हम लोग ने पढ़ा, जो हम लोग ने पीछे डिस्कस किया, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो प्रिसिपिटेशन, जो रेनफॉल होता है वो एक फ्रेश वाटर का सोर्सेस रहता है। जो रिवर्स और लेक्स से हमें जो पानी मिलता है वो एक फ्रेश वाटर का सोर्स रहता है। और जो ग्राउंड वाटर रहता है, वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्वेरियम्स विच गेट्स रिचार्ज बाय रेनफॉल, जो हम लोग ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के तीन मेन सोर्सेज है, प्रेसिपिटेशन मतलब फ्रॉम रेनफॉल, सरफेस वाटर दैट इज रिवर्स एंड लेक्स, एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, क्लियर। समझ में आया, अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे को एक बार कमेंट कर देना, लाइव चैट में एक बार बता देना सर ये डाउट है, आई विल रिपीट द टॉपिक, क्लियर। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ
अब यहां पे कॉन्सेप्ट जन्मता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है, व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? वाटर स्कैर्सिटी मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की किल्लत, या फिर हम लोग बोले पानी की कमी। सो व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, अमित कुमार, हेलो अमित। It is usually associated with regions having low rainfall or drought prone areas. तो water scarcity कहां पे mainly होती है? वो area पे जहां पे low rainfall हो या फिर जहां पे सूखे के chances हो, drought होने के chances हो। ठीक है, जहां सूखे पड़ने के chances हो वहां पे mainly water scarcity होती है। Clear? There are many other reasons which lead to scarcity of water. ठीक है, तो सिर्फ लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरियाज ही स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के रीजंस नहीं है, बट उसके अलावा भी बहुत है। फॉर एग्जांपल, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेशन एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या हो रहा है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हो रहा है कि वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब कि जितनी पानी की कमी है उससे ज्यादा पानी वापरा जा रहा है या फिर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एक हो गया। मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस टू फैसिलिटीज हाई प्रोडक्शन, हायर फूड प्रोडक्शन, दैट इज फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फॉर HYV सीड। व्हाट आर HYV सीड? HYV सीड्स मतलब High yielding seeds. Clear? There is a greater demand for water with growing urbanization and industrialization. Growing urbanization मतलब population, country में world में population बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी ऑब्वियसली बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, फूड वाटर ये सब चीजों की बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ेगी। तो कल को जहां पे 2010 में, कल को जहां पे 2000 देव रिपीट ओके ये वाला मैं वापस रिपीट करूं, कंचन, हेलो कंचन, हेलो राज, ओके आई विल रिपीट दिस वन मोर टाइम। ठीक है, देर आर मेनी अदर रीजंस व्हिच लीड टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की किल्लत सिर्फ लो रेनफॉल या फिर सूखे के कारण नहीं होती, उसके पीछे और सारे रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है या कंट्री की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो एक बड़ा रीजन है फॉर स्कैर्सिटी ऑफ वॉटर। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे जो मेथड रहते हैं, अभी फार्मिंग के भी अलग अलग मेथड रहते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं फॉर फार्मिंग, और वो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि वॉटर सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए ट्रेडिशनल मेथड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी का ओवर यूज हो रहा है, हम लोग पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्लियर? इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग HYV सीड्स यूज करें, हाई यील्डिंग सीड्स। क्लियर? देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, वाटर हमें हर जगह पे चाहिए, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे नए नए शहर बढ़ रहे, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो वहां पर भी वाटर के, अब इंडस्ट्रीज में भी वाटर की जरूरत रहती है। ठीक है, और अर्बनाइजेशन बढ़ रहे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए भी वाटर, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी फॉर बेसिक नेसेसिटीज, तो उसके लिए भी वाटर ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, एन अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमोंग आयुष तिवारी, हेलो आयुष, एन अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिट्रियोटिंग getting populated by domestic and industrial waste, chemical fertilizers and pesticides used in agriculture. मतलब कि an unequal access to water, मतलब कि कुछ जगह पे पानी कुछ ज्यादा ही सप्लाई हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, दिस इज एक्स रीजन एंड दिस इज वाई रीजन. तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि पानी का सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है. तो पानी का सप्लाई ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, वो पानी को यूज भी ज्यादा करते हैं, समझा. और कुछ कुछ जगह पे जहां पे बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी पानी चाहिए तो वहां पर भी पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है. और क्या रीजन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, वी आर पोल्यूटिंग वाटर. तो वो कैसे होता है पानी पोल्यूट, बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब जो इंडस्ट्रीज क्या करती है कि जो मेनली इंडिया में, अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज का अगर आप जो एक्सक्रीशन चैनल देखेंगे, जहां पे वो लोग अपने वेस्ट को डिस्पोज या जो चैनल से वो लोग अपना वेस्ट निकालते हैं, तो वो एट द एंड कोई नाला, कोई वाटर सोर्स में ही मिलेगा, या तो रिवर होगा या तो कोई पॉन्ड होगा, ठीक है. और उसमें क्या क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को पल्यूट कर रहे हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री विच ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रन दैम एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया, सेम पॉइंट. बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर एक्सप्लॉइट हो रहा है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. हम लोग ने पढ़ा कि हम लोग वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर के केस में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. समझ में आया. पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड है, मतलब ये जमीन के नीचे, ये सरफेस है, ओके, दिस इज सरफेस, और ये अंडरग्राउंड में यहां पे पानी है, जमीन के नीचे यहां पे बहुत सारा पानी है. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे टैप जैसा कुछ बना देता हूं, आपके आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, प्लीज इग्नोर दैट. तो हम लोग क्या करते हैं कि पंपिंग के थ्रू, पंपिंग चाहे वो जो हम लोग बोलते हैं जो डंकी जो हम लोग बोलते हैं, या फिर बोरिंग के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर पंप कर लेते हैं. मतलब पानी हम लोग जो जमीन में से, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा पानी निकालते जाएंगे, वैसे वैसे पानी का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है. तो पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स. क्लियर. जैसे जैसे हम लोग पंप करके पानी बाहर निकलते जाएंगे, वैसे ऑब्वियसली बात है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे उनके लेवल कम होने लग जाएंगे. क्लियर. इट विल एडवर्सली इफेक्ट आवर वाटर अवेलेबिलिटी. जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा फ्रेश वाटर में, कि हम लोग के पास फ्रेश वाटर की कमी है. पूरे वर्ल्ड के वाटर लेवल में से सिर्फ अराउंड 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और यही फ्रेश वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. यही यूजेबल, फ्रेश वाटर इज ओनली यूजेबल, ठीक है. तो ये फ्रेश वाटर में से 2.5% में से 70% आता है जो ग्लेशियर्स में से, और जो ग्राउंड वाटर है वो सिर्फ 30% ही है. मतलब टू सोचो ना, आप ही लोग ही सोचो ना, एक तो हम लोग के पास 2.5% ही फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 30% ही ग्राउंड वाटर है. मतलब आप सोच रहे हो कि हम लोग के पास वाटर, फ्रेश वाटर की कितनी ज्यादा कमी है. और मोस्टली जो हम लोग अर्बन एरियाज में जो हम लोग वाटर का सोर्स है वो क्या है, अर्बन एरिया में मोस्टली जो वाटर का सोर्स है, जो हाउसिंग सोसाइटीज रहती है, वहां पे क्या है वाटर का सोर्स, ग्राउंड वाटर. समझ आ रहे है? मतलब कि हम लोग ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर आर लिविंग. क्लियर. दिस इन टर्न विल अफेक्ट आर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. अभी जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर वर्क होता है, तो वहां पे वाटर का सोर्स क्या होता है, वहां पे मोस्टली इंडिया के अगर एग्रीकल्चर की बात करें हम लोग, तो इंडिया के एग्रीकल्चर का वाटर का सोर्स है ग्राउंड वाटर. अगर हम लोग वही ग्राउंड वाटर को अर्बनाइजेशन में यूज कर लेंगे, तो फिर जो हमारा फूड सोर्स है विच इज फार्मिंग, विच इज एग्रीकल्चर, तो वो उस पर भी इफेक्ट करेगा. समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर हम लोग ग्राउंड वाटर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो हम लोग एग्रीकल्चर करते,
ठीक है, जहां फूड जो क्रॉप्स उगाने के लिए जो वाटर चाहिए वो उसके लिए हम लोग ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो लेवल कम हो जाएगा तो वो हम लोग के एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा उससे। क्लियर? इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एडवर्सली इफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल, सॉरी इम्पावरिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एडवर्सली इफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल। अगर हम लोग वाटर रिसोर्स को इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते गए तो हम लोग को ये इकोलॉजिकल साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज का इकोलॉजिकल साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन के मेन कॉज क्या है? जैसे कि देख सकते हो ये दिस इज अंडर सी, ठीक है, तो हम लोग जो प्लास्टिक के जो बॉटल्स यूज कर करते हैं ना, जो हम लोग प्लास्टिक का पॉलिथिन, प्लास्टिक का बॉटल या कोई भी चीज प्लास्टिक का यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उनको करोड़ों साल लगता है डीकम्पोज होने के लिए, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो जो स्क्रैप में हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग ने चलो डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, हम लोग तो डस्टबिन में फेंकते बट उसको हम लोग बहुत ही कम पार्ट उस प्लास्टिक का रिसाइकल होता है, ठीक है, उस प्लास्टिक का बहुत ही कम पार्ट रिसाइकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती है। तो इफ वी थिंक देन आर वाटर बॉडीज आर स्लोली, आर वाटर बॉडीज आर स्लोली एडिंग अप विथ प्लास्टिक, हमारी वाटर बॉडीज धीरे धीरे प्लास्टिक से भर रही है और वो हम पे भी इफेक्ट करता है प्लस एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट स्पेशली अर्बन सीवर्स, ठीक है, जो सीवर्स जो नाले रहते हैं, जो हर एक शहर में नाले रहते हैं, तो नाले में क्या करते हैं बहुत सारा वेस्ट रहता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है और क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट रहता है, तो वो सब कहां जाता है, वो नाला आखिर में कहां मिलता है, रिवर, और रिवर कहां पे मिलती है आखिर में, ओशियन, ठीक है। Disposed of the water without proper treatment. Proper treatment यहाँ पे मतलब proper treatment मतलब जो नाले में से जो पानी जाता है, for example this is one house, ठीक है, this is one industry, ठीक है, ये घर है, ये एक industry है, ठीक है, तो यहां से ये लोग का this is their sewage line, यहां पे इनका एक या house का एक अलग sewage line रहता है, इंडस्ट्रीज का अलग सीवेज लाइन रहता है, ठीक है, तो यहां पे एक जगह पे मिलती है, ये लोग एक जगह पे मिलते हैं, फिर वहां से वो लोग वाटर सोर्स मतलब रिवर्स या फिर ओशन की तरफ जाते हैं। तो हम लोग के जो हम लोग ह्यूमंस का क्या काम रहता है, मतलब जो गवर्नमेंट का क्या काम रहता है कि वो लोग क्या करें कि ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओशन, तो ओशन में मिलने से पहले हम लोग का ये काम बनता है कि हम लोग यहां पे इस वाटर को, ठीक है, हम लोग यहां पे इस वाटर को अच्छे से ट्रीट, इस वाटर का ट्रीटमेंट करें, मतलब कि इसमें से हम लोग प्लास्टिक वेस्ट बाहर निकालें, जो फर्टिलाइज्ड वाटर है उसको प्योर करें, मतलब जिसके अंदर केमिकल्स और ये सब चीजें, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी केमिकल छोड़ती है, ठीक है, तो वो केमिकल को हम लोग वो केमिकल वाला वाटर प्योर करें, ठीक है, और भी जो अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है वाटर को वो करें, लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे, हम लोग इस वाटर का, इस सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग की ओशनिक बॉडीज पल्यूट हो रहे। क्लियर? दैट्स वाई वी नीड to get a proper treatment for water pollution. Clear? ठीक है? Now, अभी यहां पे हम लोग ने पढ़ा कि water pollution के क्या कारण है, ठीक है, कैसे हम लोग domestic waste, chemical, जो industries के waste रहते हैं तो उसके कारण water pollution रहता है। अब यहां पे व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, अब जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग कंजर्व कैसे करें, ठीक है, डू नॉट, अब क्या वेज है कंजर्व करने के, डू नॉट ओवरड्रो द ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज मत करो, जितनी हमारी नेसेसिटीज है, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करो, ठीक है, रिचार्ज इट बाय टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है,
रिचार्ज इट। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है कि जो पानी, जो बरसात का पानी रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो एक अलग से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बनाते हैं, तो उसको उसको हम लोग उसमें स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको ओवर यूज मत करो, जितने हमारी जरूरत है। अगर हम लोग को गाड़ी धोने के लिए अगर एक बाल्टी लगती है, अगर एक बाल्टी या फॉर एग्जाम्पल दो बाल्टी से हम लोग की कार धुल सकती है, ठीक है, तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम लोग पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे पानी का ओवर यूज होगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी यूज होगा, ठीक है। अवॉइड, हाँ सॉरी, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रिचार्ज की टेक्निक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी रहता है उसको हम लोग बचा सकते हैं। टैपिंग वाटर, टैपिंग रेन वाटर रिजर्वर्स, रिजर्वर्स मतलब एक बड़ा सा पॉन्ड काइंड ऑफ चीजें बनाते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे, अगर आप लोग इंडिया में बहुत सारे जो फोर्ट रहते थे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में बहुत सारे जो किले रहते थे ना, वहां पे रेन वाटर के लिए रिजर्वर्स बने रहते थे। अगर आपको कभी भी कोई पुराना किला अगर विजिट करोगे आप, जो एक फेमस में बता सकते हो, जो कि गुजरात सौराष्ट्र में है, रान की वाव, रान की वाव, आपने अगर 20 रुपीस का नोट या फिर 50 रुपीस के नोट पे है रान की वाव, मे बी 20 रुपीस के नोट पे है रान की वाव, ठीक है, तो वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको इंक्लूड किया है। तो रान की वाव क्या है, गुजराती में वाव मतलब क्या होता है पता है, गुजराती में वाव मतलब होता है रिजर्वर, जहां पे पानी स्टोर कर सके। तो रान की वाव एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर है जो बहुत टाइम पहले बिल्ड हुआ था, विच कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एक बहुत ये फेमस एग्जाम्पल है, आप 20 रुपए के नोट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब जो वाटर हम लोग वापस उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके वापस रीयूज कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेप है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स एंड डू नॉट पल्यूट द वाटर। लाइक आई वॉज सेइंग, अगर एक बाल्टी से काम चल सकता है हम लोग का, तो हम लोग एक बाल्टी पानी गाड़ी धोने के लिए अगर हम लोग एक बाल्टी भर के उसको कपड़े से साफ कर सकते हैं, तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पाइप में क्या होता है, पानी ज्यादा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के जब ब्रश करते हो, तो ब्रश में भी बहुत लोग क्या करते हैं कि नल खुला छोड़ देते हैं, बहुत लोग शेविंग करते हैं तो उसके लिए नल खुला छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि उसको बचाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में भी वॉटर टैप लीक कर रहा हो, ठीक है, वॉटर टैप लीक कर रहा हो तो उसको भी बचाना है, ठीक है, बचाना सॉरी, उसको भी हमें ठीक करना है, ठीक है। अडॉप्टिंग वॉटर कंजर्विंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, एग्जाम्पल ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स, ठीक है, तो इरिगेशन टेक्निक्स भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो स्प्रिंकलर्स रहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फार्म है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग क्या होता है कि ट्रेडिशनल मेथड में है ना, ऐसे चैनल्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में ऐसे चैनल्स बनाए जाते हैं और इन चैनल्स में ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे चैनल्स, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बनाए जाते हैं और इन चैनल्स में ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्रॉप्स को पानी कैसे मिलता है कि यहां से एक वाटर सोर्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक कुआ रहता है, वेल रहता है, ठीक है, यही वेल में से पंप करके, मशीन के थ्रू पंप करके वाटर यहां पे लाइन के थ्रू लाया जाता है और यहां पे छोड़ दिया जाता है, तो वाटर का इतने पूरे चैनल में खाली वाटर फ्लो होता रहता है। मतलब कि हम लोग यहां पे इस चैनल्स में वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स की मदद ले सकते हैं। स्प्रिंकलर्स जैसे कि आप देख सकते हो, वो क्या करता है कि वाटर हर एक एरिया में पहुंचाने के लिए स्प्रिंग करता है। ऐसा ये जो आप देख सकते हो, ये क्या बार बार ऐसा ऐसा आगे पीछे होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी हर जगह पे उड़ता है,
ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं ड्रिप इरिगेशन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जमीन है जहां पे बीज बोए हुए, एज्यूम दिस आर द सीड्स। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, यहां से एक पाइपलाइन रहता है, ठीक है, ये पाइपलाइन रहता है। तो ये पाइपलाइन है ना, मैं यहां पे जहां पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं ऐसा, ये पाइपलाइन में छोटे छोटे होल्स रहते हैं। तो ये क्या होता है कि यहां से अंदर से पानी आता है और ये छोटे होल्स में से एक एक बूंद ऐसे धीरे धीरे एक एक बूंद गिरता रहता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग पानी को वेस्ट नहीं कर रहे, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई बूंद बाई ड्रॉप टू ड्रॉप वी आर ग्रोइंग दिस सीड इन टू प्लांट। समझ आया। तो ड्रिप इरिगेशन इज अ वेरी मच कन्वीनियंट मेथड देन द ट्रेडिशनल इरिगेशन दैट वी यूज। क्लियर। तो दिस वर सम ऑफ द मेजर्स फॉर वॉटर कंजर्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ आया तो प्लीज एक बार क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया, आई विल रिपीट दैट अगेन। ओके क्लियर। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, विल सी इन दिस टॉपिक। जवाहरलाल नेहरू proclaimed that multi-purpose projects are the temples of modern, sorry, M-O-D-E-R-N. So former and first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru said that मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब कि मॉडर्न इंडिया बिल्ड करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, रिवर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज दे वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड टू द नेशन टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। उन वो क्या समझते थे कि एक गाड़ी है, ये एक जरिया है नेशन को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के प्रोग्रेस तक पहुंचाने का। He believed that this projects with their integrated water resources management approach would integrate the development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। वो ऐसा मानते थे कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट और प्लस डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा तो विलेज का डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमी अप जाएगी, कंट्री की इकोनॉमी अप जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या रहते हैं कि समझ लो एक नदी बह रही है, फॉर एग्जाम्पल ये नदी बह रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे टर्बाइन सेटअप कर दिया, ठीक है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि यहां पे क्या कर दिया, टर्बाइन सेटअप कर दिया, यहां से पानी बह रहा है, ठीक है, यहां से पानी बह रहा है और यहां से टर्बाइन घूम रहा है, यहां पे जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यही जनरेटर क्या करेगा, ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यही हम लोग के हाउस होल्ड तक पहुंचेगी, ठीक है। हम लोग के हाउस होल्ड में मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल मेथड के थ्रू होती है, मेनली थर्मल मेथड यूज होता है। बहुत ही कम जगह पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट रहता है वो बहुत ही कम जगह पे इंस्टॉल हुआ रहता है, तो उसके आसपास के एरियाज में होता है, बट मेनली इंडिया में थर्मल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। क्लियर। अब मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। अब रिवर वैली प्रोजेक्ट में सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जनरेट करते बट हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर वाटर सिस्टम के थ्रू, एक प्रॉपर वाटर चैनल के थ्रू हम लोग अलग अलग जगह पे वाटर पहुंचाते। फॉर एग्जाम्पल द फेमस इंदिरा गांधी कैनल, जो इंदिरा गांधी कैनल है
ठीक है, जो इंदिरा गांधी कैनल है वो उस कैनल के थ्रू क्या किया है कि जो ऊपर नॉर्थ में जो रिवर्स है वहां से रिवर राजस्थान के जो स्कैड एरियाज है जहां पे लो रेनफॉल है, जहां पे पानी की कमी है, जो ड्रॉट एरियाज है, वहां तक वो कैनल के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है। और ये रिवर और ये प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी जो कैनल है, एक बहुत लंबा सा कैनल है और इसमें बहुत सारे फार्मर्स और एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, प्लस दिस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स एज वी डिस्कस अर्लियर कि इस रौनक जाधव सर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, तो रहता है ना उसमें क्या रहता है कि जो अलग अलग एटॉम्स और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जनरेट होती है कि वो लोग इग्नाइट करके कोई भी चीज को जला के, ठीक है, कोई भी चीज को इग्नाइट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, हाँ, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। अभी एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होगा, जिस तो क्या होगा कि जो पानी अगर बारिश के टाइम पे ज्यादा पानी गिर जाए तो अगर वाटर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, जो एक्सेसिव वाटर जिसके कारण फ्लड आ रही है, वो क्या रहेगा, वो चैनल के थ्रू चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन एरिया जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल गिरी है। अब अगर यहाँ पे एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होगा, ये सब चैनल्स है ऐसा समझ लो, अगर यहाँ पे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब ये चैनल्स के थ्रू वो एरिया के बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग के चांसेस, बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। ठीक है, अब वाटर मैनेजमेंट थ्रू में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने पहले बताया रिजर्वर्स भी बिल्ड होते हैं, ठीक है, रिजर्वर्स भी बनाते हैं, तो रिजर्वर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश की ब्रीडिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ फिश को हम लोग वहां पे ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस रिक्रिएशन में क्या होता है कि जो पानी एक बार यूज हो चुका होता है उसको हम लोग वापस यूज करते हैं, ठीक है, उसको प्योर करके वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनलैंड नेविगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है उसके थ्रू। क्लियर, तो ये सब एडवांटेजेस थे किसके, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के। ये सब एडवांटेजेस किसके थे, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के ये फायदे होते। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, अब डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है, डैम सेटअप हो जाता है, जहां पे यहाँ पे रिवर का फ्लो है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डैम सेटअप कर देंगे, और यहीं पे, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डैम सेटअप है, ठीक है, और यहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग का एडवांटेज हो रहा है, बट ये क्या करेगा, उसके नेचुरल फ्लो को रोक देगा। ठीक है, जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो रुक जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, पुअर सेडिमेंट फ्लो। अब पानी के अंदर भी अलग अलग सेडिमेंट्स रहते हैं, और वो सेडिमेंट्स किस में हेल्प करते हैं, सॉइल को बिल्डअप करने में, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते, सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करते ये सेडिमेंट्स। ठीक है, बट अगर हम लोग ने नेचुरल फ्लो रोक दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, पुअर सेडिमेंट फ्लो, और पुअर सेडिमेंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इनफर्टाइल रह जाएगी। सुन मैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ने पानी रोक दिया, फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे हम लोग ने पानी रोका हुआ है, ये डैम है, दिस इज वन डैम, यहां से पानी है आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाएगा तो वहां की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। Now, lack of sediments result in rockier stream bed and poor habitat of the river's aquatic life. अब water में भी sediments होना, as I said, is very important. जिसके वजह से क्या हो जाएगा, rockier stream bed, मतलब जो यहाँ पे जो इसके पीछे का जो जहां पे पानी जमा हो जाएगा वहां पे एकदम रॉकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये aquatic animals को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, the reservoir submerges the existing vegetation and soil
The reservoirs submerge the existing vegetation in soil, leading to its decomposition over time. मतलब अब रिजर्वर हम लोग ने सेटअप किया तो हम लोग क्या करेंगे उसको उसके आजू बाजू. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक रिजर्वर सेटअप किया, यहां पे वैली है ठीक है, तो ये क्या करेगा रिजर्वर, इस आजू बाजू के जो वेजिटेशन रहेगा उसको अफेक्ट करेगा ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो इकोलॉजिकल साइकिल रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा. दे अफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ सॉइल एज आई सेड अर्लियर, कि वो क्या करता है सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है. कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, अब क्या करता है कोई भी जगह पर डैम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन चाहिए डैम बनाने के लिए भी ठीक है, उतना वो एरिया फिर गवर्नमेंट के नाम पे हो जाता है, तो वहां पे जो पहले से ही लोग रहते हैं वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो लोग को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा ठीक है, समझ आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओके आई विल रिपीट दिस. तो हम लोग ने पहले ये बात किया कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के, और अब हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे हम लोग ने डिस्कस किया. लेट मी रिपीट दिस अगेन. सबसे पहले क्या होता है कि जो अगर हम लोग डैम बिल्ड कर देंगे, जो रिवर डैम कहाँ बिल्ड होता है रिवर्स के ऊपर, तो अगर हम लोग डैम बिल्ड कर देंगे तो रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो रहेगा, रिवर क्या करती है अपनी तरीके से चलती है, तो रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो होगा वो रुक जाएगा, और जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंट फ्लो, सेडिमेंट मतलब जो पानी के अंदर अलग पत्थर कंकर और ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें रहती है जो सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करती है, वो रुक जाएगी ठीक है. अब प्लस क्या होगा कि अगर हम लोग एक ही जगह पर रिजर्वर बना देंगे रिवर्स की, तो वहां पे ही पानी कलेक्ट हो जाएगा ठीक है, एक ही जगह पे पानी कलेक्ट, तो वो स्ट्रीम क्या हो जाएगी रॉकियर, मतलब वो पत्थर वाली चीजें हो जाएगी वहां पे, वो रॉकियर स्ट्रीम हो जाएगी ठीक है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे. प्लस जो हम लोग समझो कि यहाँ पे रिवर है, तो हम लोग ने यहाँ पे डैम बिल्ड किया, तो वो क्या करेगा आजू बाजू के वेजिटेशन को भी अफेक्ट करेगा. अब डैम बिल्ड करने के लिए हम लोग को ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, और ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, और रिवर्स के बाजू में पेड़ होते हैं ट्रीज रहते हैं, तो वो ट्रीज को हम लोग को कट करना पड़ेगा ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा इससे. प्लस जो आजू बाजू के एरियाज में जो लोग रह रहेंगे ठीक है, जो लोग रहते हैं उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया में तो अभी डैम बनेगा, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, तो वो लोग को भी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वो लोग को भी दूसरी जगह, वो लोग को वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. हम लोग ने थोड़ा स्टार्टिंग में एक आइडिया लिया व्हाट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग वेयर वी कलेक्ट द रेन वॉटर एंड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर यूज. व्हाट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. Rain water harvesting is something where we collect the rainwater and use it for future use. सुन मैं, so ये था rain water harvesting. Now in mountainous areas, gulls and cools, the diversion channel were built for agriculture. अब क्या होता है gullies and अब यहां पर क्या होता है कि ये mountain है ठीक है, यहां पर बारिश होती है ठीक है. अब ये माउंटेन्स में क्या करेंगे कि अलग अलग चैनल्स बना देंगे ठीक है, अलग अलग चैनल्स बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चैनल के थ्रू वो रेन वाटर जो बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे गिरेगा वो इस चैनल्स के थ्रू फील्ड तक पहुंचेगा, एग्रीकल्चरल फील्ड तक पहुंचेगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायरेक्टली रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो रेन वाटर आ रहा है हम लोग का. अगर हम लोग चैनल्स नहीं बनाएंगे तो रेन वाटर क्या हो जाएगा अपने हिसाब से कहीं पर भी चला जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया चैनल्स बनाए जिसकी वजह से रेन वाटर को हम लोग ने एक डायरेक्शन दिया, रेन वाटर को हम लोग ने डायरेक्शन दिया और उसको अपने हिसाब से रेन वाटर को यूज किया ठीक है. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इन राजस्थान. नाउ लेट मी शेयर दिस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइन कि जहां पे लाइक मेरा जो विलेज है वहां पे हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्योरली रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होता है. इट इज सेड दैट जो बादल का जो सॉरी
जो बारिश का जो पानी रहता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर रहता है, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं रहता, ठीक है। तो वो पानी को क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कर लेते हैं। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि समझ लो ये घर है, ठीक है, उसकी छत है, यहां पे छत है, दिस इज इट्स रूफ टॉप। अब यहां पे क्या करेंगे कि जो पानी इसके ऊपर गिरेगा उसको क्या करेंगे, एक पाइप, ठीक है, जो छत के ऊपर एक छोटा सा होल कर देंगे और वो एक पाइप के थ्रू पानी आएगा, ठीक है। और यहां पे एक स्टोरेज टैंक रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो पानी यहां से बारिश गिरी वो इस रूफ टॉप पे आएगा, फिर रूफ टॉप से, और फिर रूफ टॉप से ये पानी आएगा इस पाइप में, और ये पाइप में ये पाइप जाएगा टैंक में, और ये टैंक में जाने के पहले यहां पे फिल्टर्स रहते हैं इस एरिया में, ये पाइप के अंदर ही इनबिल्ट फिल्टर्स रहते हैं जो कि पानी को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, और फिर ये टैंक में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे रोनित और देव पूछ रहे, सर वेर इज योर विलेज, सर आप कहां से हो? आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम राजकोट, ओके। सो जो रेन वाटर, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहते हैं वो मेनली कौन से एरियाज में इनका फायदा रहता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे पानी की कमी हो, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, ठीक है। इंडोएशियन चैनल्स ऑफ इरिगेशन वर डेवलप इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंडोएशियन चैनल्स बनाई जाती है, मतलब क्या रहता है कि जो पानी कुछ कुछ एरियाज में क्या रहता है कि जमीन थोड़ी ऊंची रहती है, कुछ कुछ एरियाज में नीची रहती है, तो वहां पर भी चैनल्स बनाई जाती है जहां से रेन वाटर फ्लो करे और फिर बाद में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। व्हाट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा और पानी कम हो, दिस आर कॉल्ड एरिड रीजन्स। एग्रीकल्चर फील्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, मतलब की जो फील्ड रहती है, जैसे कि हम लोग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात की, ठीक है, तो वहां पे जो सॉरी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की बात की, तो वहां पे क्या था, टैंक था जहां पे पानी स्टोर हो रहा था। तो कुछ कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में भी कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जो जैसलमेर का जो जैसलमेर है जो राजस्थान में, वहां पे क्या होता है कि बारिश के टाइम पे ना पानी को स्टोर कर लिया जाता है इन टैंक्स में, ठीक है, और वही टैंक का वाटर फिर एग्रीकल्चरल यूज में, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, क्लियर। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, पालोदी एंड बानेर, ऑल द हाउसेज आर अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास बिल्ट इन साइड द हाउस ऑफ स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। एज आई सेड कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि घर के ऊपर ही जो टेरेस रहता है वही टेरेस से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बिल्ड किया रहता है। अब वही टेरेस का पानी वो पाइप के थ्रू फिल्टर होके टैंक में स्टोर कर सकते हैं हम लोग, और रेन वाटर हमेशा प्योर रहता है, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं रहता, उसको हम लोग डायरेक्टली पी सकते हैं, बट फिर भी फॉर फर्दर सेफ्टी हम लोग वही स्टोर्ड पानी को उबाल के पी सकते हैं, लाइक वी कैन ड्रिंक दैट वाटर। देयर वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सो दे वर अ पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, समझ में आया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोई डाउट? आई गेस कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, आई विल रिपीट द टॉपिक, ओके। तो कुछ ऐसा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये प्लांट्स, ठीक है, क्या होता है, यहां पे यहां से बारिश गिर रही है, ठीक है, अब यहां से पानी इनमें पाइप्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है, सॉरी स्टोर नहीं, इन पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब फ्लो होने के बाद यहां पे आता है एक फिल्टर एंड पंप, ठीक है, दिस इज व्हाट फिल्टर एंड पंप, यहां से पानी फिल्टर होता है और फिर पंप होता है घर के अंदर, प्लस कुछ कुछ पानी, मतलब कुछ कुछ पानी अंदर पंप होता है, कुछ कुछ पानी घर के नलों में पंप किया जाता है, और कुछ कुछ पानी फिल्टर होके
इस कलेक्शन टैंक में आ जाता है। ठीक है, दिस डायग्राम, ये डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे काम किया जाता है, मेनली रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। समझ आ रहा है ये? ठीक है, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर कम्स द मेन, आपके बुक में भी ये टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नाउ व्हाट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज एन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट हुआ था जिसके अंदर एक बड़ा एनजीओ एसोसिएटेड था, जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइबल पीपल, कॉमन फार्मर, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज रहते हैं, वो लोग ने एक आंदोलन किया था अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ सरदार सरोवर डैम। अब फॉर योर फैक्ट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, द फन फैक्ट, हैशटैग फैक्ट, फैक्ट क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज बिल्ट ऑन दिस सरदार सरोवर डैम। ठीक है, जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू, वो कहां पे बिल्ट हुआ है? ऑन दिस सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो ये सरदार सरोवर डैम स्टैच्यू तो अभी बिल्ट हुआ है, लेकिन जो ये डैम है वो बहुत टाइम पहले बिल्ट हुआ था। ठीक है, तो द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यू रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज अंडर द डैम वाटर। रिसेंटली इट्स एम हैज बीन टू एनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर पीपल टू गेट फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये आंदोलन क्यों हुआ था? As I said earlier, कि जब रिवर प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते हैं तो वहां पे उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि वहां पे ट्रीज को कट करना पड़ता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वहां पे होता है। ठीक है, प्लस जो वहां पे लोग रहते हैं, जो वहां पे लोग रह के एग्रीकल्चर करते हैं, उनको दिक्कत रहती है। ठीक है, प्लस जो वहां पे रहने वाली लोकल पीपल, उनको उनका घर चला जाता है उस चीज में, तो उस चीज को तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत होने के कारण ये एनजीओ ने एक स्टार्ट किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, मीन्स सेव नर्मदा मूवमेंट। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, एक बार रीड कर लेना उसको, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हियर वी एंड आर लेक्चर, यहां पे हम लोग का लेक्चर खत्म होता है, प्लस हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, विच इज वॉटर रिसोर्सेस। आई गेस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी आपको मेरे को बता दे कि सर ये टॉपिक एक बार वापस समझा दो, आई विल रिपीट दैट टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल लैंड आवर लेक्चर। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर कोई आपको डाउट नहीं है तो आप नो डाउट सर करके कमेंट कर देना, सो वी कैन एंड आवर लेक्चर। Okay, so I am waiting for your lecture. I am waiting for your response. Please, somebody responds. Okay, sir, no doubt. Ayush Tiwari, no doubt. Okay, Ayush ji ko koi doubt nahi hai, Mr. Ayush ko koi doubt nahi hai. Aur koi jinko doubt ho? सार्थक आहिर, क्लियर सर, नो डाउट। ओके सार्थक, ओके अश्मिता, नो डाउट। ओके, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। देव, ओके, देव को भी डाउट नहीं है। जय पाथक, नो डाउट सर। ओके, सो आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है, सो लेट्स आर लाइव स्ट्रीम हियर। एंड बिफोर एंडिंग लाइव स्ट्रीम, प्लीज एक बार घर पे ये लाइव वीडियो देखने के बाद प्लीज एक बार पूरे चैप्टर को एक बार खाली रीड कर देना। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको आई गारंटी यू कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप इस लेक्चर के दौरान अटेंटिव रहे हो तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्लस जो भी मैं लेक्चर कंडक्ट करता हूं, जब भी लाइव क्लासेस चल रही है, तो प्लीज नोट व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, अपने हिसाब से आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि आप क्या नोट कर रहे हो।
ठीक है, एक शॉर्ट में एब्रीवेशन यूज करके एक शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में नोट्स बना लेने का, ठीक है, कि व्हाट इज फॉर एग्जांपल कि मैं पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब यहां पे आप फटाफट ऐसा पॉइंट्स ऐड कर देने का, पॉइंट्स क्या ऐड करने का कि व्हाट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज, अब रेन वॉटर पूरा हार्वेस्टिंग नहीं लिखने का, सीधा आर एच लिख देने का, तो आपने समझ जाएंगे ऐसे एब्रीवेशन, इसको हम लोग एब्रीवेशन बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म, तो ऐसे ही लिख देने का व्हाट इज आर एच, तो यहां पे लिख देने का अपने हिसाब से आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में लिख देने का कि टू प्रिजर्व रेन वॉटर फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज, दैट्स व्हाट वी कॉल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लेने के अपने उसमें, फिर जब आप पढ़ोगे ना उस नोट्स को और चैप्टर को भी पढ़ोगे ना जब आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, और आपके आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में छप भी जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो लेट्स एंड आवर लाइव स्ट्रीम हियर, टेक केयर, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।